द फैमिली मैन। इस वेब सीरीज में लाइट डिटेक्टर फॉर एवरी फैमिली को लेकर एक सीन है जिसमें सच और झूठ को एक मशीन पकड़ती है। भले ही ये एक फिल्म सीन है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे, तो आपको बता दें कि फॉरेंसिक साइंस में कई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके जरिए जांच एजेंसियां आरोपी के दिलो दिमाग में छिपे सारे राज को बाहर ला सकती है। ऐसे ही एक टेस्ट का नाम है पॉलीग्राफ, जो फिर से इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि कोलकाता आरजी कर मेडिकल कांड के मुख्य आरोपी संजय राय से सवालों का सही जवाब जानने के लिए ये टेस्ट कराया गया। इसके लिए सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अपील की थी। कोर्ट ने संजय राय सहित कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति दे दी थी। इन आरोपियों की सहमति के बाद सबका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये बिल्कुल सच होता है? इसका प्रोसेस क्या है? सब इस रिपोर्ट में समझते हैं। पॉलीग्राफ एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए सच और झूठ का पता लगाने की कोशिश की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस टेस्ट में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि आखिर व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि इसका प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है। टेस्ट में बॉडी एक्टिविटी पर रहती है नजर। जी हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है और जो उसकी फिजिकल रिएक्शंस को मापती है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, स्किन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मसल एक्टिविटी। अब क्या शो करता है पॉलीग्राफ टेस्ट? तो टेस्ट के दरमियान व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और उसकी फिजिकल रिएक्शंस को मापा जाता है। यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी सांस लेने की दर में भी तेजी आ जाती है। टेस्ट के रिजल्ट को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है जो ये बताता है कि व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाएं प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान कैसे बदली। यही परिणामों में कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं, तो ये व्यक्ति के झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। बता दें कि एक पॉलीग्राफ मशीन में सेंसर लगे कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इन सभी सेंसर को एक साथ मेजर करके किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का पता लगाया जा सकता है। न्यूमोग्राफ के जरिए सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करके गतिविधि में बदलाव का पता लगाया जाता है। कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्ड ये किसी व्यक्ति की दिल की गति और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। गैल्वेनोमीटर ये मशीन स्किन पर आने वाले पसीने की ग्रंथि में बदलाव को नोटिस करती है। रिकॉर्डिंग डिवाइस ये पॉलीग्राफ मशीन के सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को रिकॉर्ड करके उसका एनालिसिस करती है। इस जांच में 2 तरह के टेस्ट भी होते हैं। पहला कंट्रोल कन्वेंशन टेस्ट, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति से सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब में हाँ या ना के जो जवाब होते हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसा ये जांचने के लिए किया जाता है कि जब वो किसी सामान्य सवाल का जवाब देता है और जब उस घटना से जुड़े टफ सवाल का जवाब देता है तो उसके शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है। यहाँ तक कि शरीर से निकल रहे पसीने से भी काफी कुछ पता चलता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दूसरा गिल्टी नॉलेज टेस्ट, इसमें एक सवाल के कई जवाब होते हैं। सारे सवाल आरोपी के अपराध से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है तो उससे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए की चोरी हुई है। इस सवाल का आरोपी सही जवाब देगा तो उसकी हार्ट बीट सामान्य होगी, लेकिन जैसे ही वो झूठ बोलने की कोशिश करता है उसकी हार्ट बीट, उसके दिमाग के सोचने के तरीके आदि से पता चल जाता है कि वो कुछ छिपा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी सटीकता पर सवाल नहीं उठते, कई मर्तबा इस टेस्ट को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब एक अहम सवाल है कि क्या इस टेस्ट के जरिए सच को छुपाया जा सकता है? अमेरिकी की साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की माने तो पूछताछ के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से ये तय नहीं किया जा सकता कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि ये सच को पता करने का एक माध्यम जरूर हो सकता है। वंडर पुलिस के एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आरोपी के
दिए सही जवाब को एक्सपर्ट गलत बताकर उस पर दबाव बनाने लगते हैं तो वो नर्वस होने लगता है। आमतौर पर उसके नर्वस होने पर भी ये मान लिया जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि कई मामलों में इस जांच के जरिए असली अपराधी को भी पकड़ा गया है। अब सबसे अहम सवाल, कैसे ये टेस्ट CBI की मदद कर सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता मामले में आरोपी बहानेबाजी कर रहा था, जिसको लेकर CBI ने इस टेस्ट की मांग की थी। अब टेस्ट को आधार बनाकर CBI जांच को आगे बढ़ा सकती है और कोर्ट के सामने पेश कर सकती है। अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन जो भी कुछ होगा हम आप तक लेकर जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।